आप सभी तुरई से अच्छी तरह परिचित होंगे, इसकी सब्जी भी जरूर खाई होगी। जो लोग हरी सब्जियां खाना पसंद करते हैं वे तुरई का सेवन बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। आम तौर पर लोग तुरई का उपयोग केवल सब्जी के रूप में ही करते हैं और यह नहीं जानते हैं कि तुरई का प्रयोग एक औषधि के रूप में भी किया जाता है। आयुर्वेद में यह बताया गया है कि तुरई पचने में आसान होती है, पेट के लिए थोड़ी गर्म होती है, कफ और पित्त को शांत करने वाली, वात को बढ़ाने वाली होती है, वीर्य को बढ़ाती है, घाव को ठीक करती है, पेट को साफ करती है, भूख बढ़ाती है और हृदय के लिए अच्छी होती है। इतना ही नहीं, ये कुष्ठ, पीलिया, तिल्ली, पीलिया रोग, सूजन, गैस, कृमि, गोनोरिया, सिर के रोग, घाव, पेट के रोग, बवासीर में भी उपयोगी होती है। कृत्रिम विष, दमा, सूखी खांसी, बुखार को ठीक करती है। आइए जानते हैं तुरई खाने के और क्या क्या फायदे होते हैं। तुरई के पत्तों के रस से गेहूं के आटे को गूंदकर उसकी बाटियां बनाकर उन्हें चूर लें, उसमें घी और शक्कर मिलाकर लड्डू की तरह बना लें। इसे खाने से अनंत बात नामक सिर के रोग में लाभ होता है। कच्ची कड़वी तुरई को पीसकर कनपटी पर लगाने से भी सिर के दर्द से आराम मिलता है। कड़वी तुरई के बीजों को मीठे तेल में घिसकर आंखों में काजल की भांति लगाने से काला मोतियाबिंद ठीक होता है। तुरई के पत्तों को पीसकर उसका रस निकालें। इसे एक दो बूंद आंखों में लगाने से आंखों के विभिन्न रोगों में लाभ होता है। तुरई के रस में पिंपली चूर्ण मिलाकर छानकर एक दो बूंद नाक में डालने से गले की गांठ में लाभ होता है। टॉन्सिल की सूजन में तुरई का उपयोग। तुरई फल तथा पत्तों का काढ़ा बना लें। इसे 10 से 20 मिली मात्रा में पीने से टॉन्सिल की सूजन और खांसी और सांस फूलना ठीक होता है। 2 से 4 ग्राम बीज चूर्ण में शहद मिलाकर सेवन करने से भी खांसी एवं दम फूलना ठीक होता है। कब्ज में तुरई का उपयोग। तुरई के बीजों को पीसकर 1 से 2 ग्राम तक सेवन करने से कब्ज ठीक होता है। तुरई के फलों की सब्जी बनाकर खाने से भूख बढ़ती है तथा पथरी में भी लाभ होता है। तुरई के इस्तेमाल से बवासीर का इलाज। तुरई के चूर्ण को बवासीर के मस्सों पर लगाएं या गुड़ के साथ चूर्ण की बत्ती बनाकर गूदा में रखने से बवासीर समाप्त हो जाता है। कड़वी, तुम्बी, इंद्रवारुणी तथा तुरई चूर्ण में गुड़ मिलाकर उसकी बत्ती बनाकर गूदा में रखने से बवासीर में लाभ होता है। बैंगन के फल को तुरई के क्षारीय जल में पकाने के बाद घी में भूनकर खाएं। इसके साथ में छाछ पीने से पुरानी बवासीर में बहुत लाभ होता है। कड़वी तुरई के रस में हल्दी चूर्ण मिलाकर बवासीर के मस्सों पर लगाने से बवासीर में लाभ होता है। तुरई के पत्तों को पीसकर बवासीर के मस्सों में लगाने से दर्द समाप्त होता है। इसे लगाने से शीत, पित्त, दाद और कुष्ठ आदि त्वचा के विभिन्न रोगों में भी लाभ होता है। तुरई के उपयोग से पीलिया का उपचार। तुरई फल के चूर्ण को नाक में डालने से पीलिया रोग में लाभ होता है। तिल्ली बढ़ने पर करें तुरई का सेवन। तुरई के बीजों को पीसकर गर्म करके पेट पर लेप करने से बढ़ी हुई तिल्ली ठीक होती है। मधुमेह, डायबिटीज में तुरई से फायदा। तुरई की सब्जी
अथवा तुरई के ताजे फल के 10 से 15 ml रस का सेवन करें। इससे मधुमेह, डायबिटीज़ तथा एड्रिनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि से जुड़े विकार दूर होते हैं। पेट के रोग में तुरई से लाभ। तुरई की जड़ के चूर्ण का 1 से 2 ग्राम खाने से जलोदर रोग ठीक होता है। तुरई के पत्तों को पीसकर लहसुन के साथ मिलाकर लेप करने से जलोदर रोग में लाभ होता है। तुरई के प्रयोग से यौन रोग का इलाज। हरड़, तुरई तथा समुद्र फैन चूर्ण से बनी बत्ती को घिसकर लगाएं। इससे पुरुष के लिंग पर हुए घाव ठीक हो जाते हैं। 10 से 15 ml तुरई के फल के रस को दही में मिलाकर प्रयोग करने से महिलाओं की योनि के घाव ठीक होते हैं। तुरई के जड़ के चूर्ण, सारीवा जड़ का चूर्ण तथा जपा जड़ के चूर्ण को समान मात्रा में मिला लें। उसमें जीरा मिला लें और इस चूर्ण को 1 से 2 ग्राम मात्रा में शक्कर मिलाएं। दूध के साथ सेवन करने से सुजाक यानी गोनोरिया में लाभ होता है। 10 से 20 ml तुरई के पत्तों का काढ़े का सेवन करने से रुके हुए मासिक धर्म की परेशानी ठीक होती है। इससे पेशाब में खून का आना भी बंद होता है। गर्भ निरोधक के रूप में काम करता है तुरई। तुरई के चूर्ण में शहद मिलाकर योनि में लेप करने से गर्भ नहीं ठहरता है। कुष्ठ रोग के इलाज में करें तुरई का इस्तेमाल। तुरई तेल की मालिश करने से कुष्ठ रोगों में लाभ होता है। तुरई के फल से बीज एवं गूदा निकालकर उसमें जल भरकर रात भर रख दें। सुबह 10 से 15 ml की मात्रा में इस जल को पीने से कुष्ठ रोग में फायदा होता है। सरसस, करज, कोषातकी, इंगुंदी तथा खदीर चूर्ण को मिलाकर लेप बनाकर लगाने से भी कुष्ठ रोग में लाभ होता है। अनचाहे बालों को हटाने में तुरई का प्रयोग। गुप्त स्थानों से बालों को हटाकर वहां तुरई की बीज के तेल को लगाने से बाल दोबारा नहीं आते हैं। त्वचा रोग में तुरई से लाभ। तुरई के बीजों को पीसकर लगाने से त्वचा रोगों में लाभ होता है। तुरई को पीसकर लेप करने से त्वचा की जलन, खुजली आदि विकार ठीक होते हैं। स्वास्थ्य को उत्तम बनाता है तुरई। तुरई आंवला तथा वक्ष चूर्ण को बराबर मात्रा में लेकर मिला लें। इसे 1 से 10 2 ग्राम की मात्रा में लें। उसमें घी तथा मधु मिलाकर सेवन करने से बुद्धि, स्मृति आदि रसायन गुणों की वृद्धि होती है। कीड़े मकोड़ों के विष को उतारने के लिए करें तुरई का प्रयोग। यदि चूहा काट ले तो 10 से 20 ml तुरई के काढ़े में 2 ग्राम देवदाली फल चूर्ण तथा दही मिलाकर पिए। इससे उल्टी के रास्ते विष बाहर निकल आता है। बराबर मात्रा में कूट, वच, मदन फल तथा तुरई फल के चूर्ण को मिला लें। इसे 2 से 4 ग्राम चूर्ण को गौमूत्र के साथ पीने से अथवा 10 से 20 ml तुरई फल काढ़े को पीने से सभी प्रकार के चूहे के विष का असर खत्म हो जाता है। तुरई के तने को पीसकर काटे हुए स्थान पर लगाने से दर्द, जलन और सूजन आदि जहरीला प्रभाव नष्ट होते हैं। तुरई के फल के रस को काटे गए स्थान पर लगाने से कई प्रकार के विषैले जानवरों के विष का प्रभाव नष्ट हो जाता है। कुत्ते के काटने पर कड़वी तुरई के गूदे को पीस लें।
इसे पिलाने से उल्टी तथा सोच कुत्ते का विष उतर जाता है। व्यूअर्स, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। व्यूअर्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।